बलूची सजी बलूचिस्तान की कदीम रवायत का अहम हिस्सा समझा जाता है। बलूची सजी बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बेहद मकबूल है। होटलों पे बलूची सजी बड़े इत्माम के साथ तैयार की जाती है। मुर्गी और बकरे के गोश्त से बनने वाली ये सजी नहायत खुश जायका होने के बायस हर आम खास में बेहद मकबूल है। आज मेरे कुछ मेहमान आए हुए थे, आज मैं उनको जना बलूची सजी का उन्होंने फरमाइश किया था, तो आज मैं बलूची सजी की रेडी पर आया हूँ। यहाँ पर उनकी तवाज़ा जो है ना, आज मेहमान नवाजी जो है ना, मैं बलूची डिश सजी से करूँगा। तो आज खासकर सर्दियों में जो है ना, हमारे मेहमान जो है ना, इस डिश को बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत जो है ना बेहतरीन और जो है ना लजीज और मज़ेदार होता है। सजी 2 से 3 घंटों में तैयार होती है। दुकानदारों के मुताबिक सर्दियों में सजी की मांग में इजाफा हो जाता है। हम बहुत अरसे से इधर आता है, ये सजी का काम करता है, ये सजी पकाता है, लोग बहुत पसंद करता है, लोग बहुत मेहमानों के लिए ले जाता है। माशाल्लाह लोग बहुत पसंद करता है, मेहमानों के लिए ले जाता है। ये सर्दी में लोग बहुत पसंद करता है और सर्दी इंशाल्लाह जो सजी का है सर्दी ख़त्म। बलूची सजी खुश जायका होने के बायस मुल्क भर में बेहद मकबूल है। यही वजह है कि बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में खानों के शौकीन हजरात बलूची सजी से महजूज होने के लिए बलूचिस्तान का रुख करते हैं। आज मेरे मेहमान आए हुए हैं, तो जिस तरह आप जानते हैं कि सजी एक बलूचिस्तान का जो है मशहूर डिश और जाने मानी चीज़ है, तो इसलिए आज मेहमानों के लिए मैं ख़ास बलूची सजी लेने आया हूँ। तो उनके आज ये फरमाइश था, तो आज उनकी ये फरमाइश हम पूरी करते हैं जी। यार हमारे कुछ मेहमान है जो कोयटा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, तो मैं सजी लेने के लिए आया हूँ। ये ज़ियारत वाले सजी के बलूची रवायत में भी है, हमारे पठानी रवायत में भी है, तो वही फरमाइश की है कि हमको सजी खिलाओ। इसी का आर्डर मैं देने के लिए आया हूँ यहाँ सजी पे। सदियों से बलूची रवायत का ऐसा सजी आज भी दस्तरखान की जीनत समझी जाती है। बलूचिस्तान के रहने वाले आज भी अपने मेहमान को सजी खिलाए बिना जाने नहीं देते। उर्दू ट्रेड्स बलूचिस्तान।